अब रुख करते हैं भवाना का, जहां जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हुकूमती हदायत पर अशरा शाने रहमतुल्लिल आलमीन शायान शान तरीके से मनाने के हवाले से तहसील इंतजामिया मुतहरक दिखाई देती है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना महताब अहमद खान बलोच ने की। मजीद तफसील जानते हैं आबिद हसैन रमाना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हुकूमती हदायत पर अशरा शान रहमत लिल आलमीन शायान शान तरीके से मनाने के हवाले से तहसील इंतजामिया मुतरक दिखाई देती है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना महताब अहमद खान बलोच ने की। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर भवाना महताब अहमद बलोच का कहना था। जी अस्सलाम वालेकुम या सैयदी या रसूल अल्लाह, आज हमारी एक मीटिंग थी रबीउल अव्वल के हवाले से, जिसमें इलाका के मुंतज़मीन जो जुलूस के हैं वो शामिल थे। इसमें दीगर महकमा जात, पुलिस, स्कूलटी इंचार्ज, एमसी, म्यूनसिपल कमेटी के नुमाइंदगान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, मेल फीमेल और 1122, तमाम के में हमने जायज़ा लिया कि हम 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को के प्रोग्रामात को किस तरह बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उसमें हाईवे वाले थे, हमने वो जो मशल बरदार उनका रात को जुलूस है उसको देखा है। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को टाइमिंग्स में हमने छिड़काव, सफाई और ट्रैफिक के डाइवर्जन के बारे में बात की है, और इंशाल्लाह ताला के फजल करम से बेहतर प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे।